ये जो मशीन बाकरे की तरफ से आज सब के हाथों हमारे सीएमओ को डोनेट किया है, ये हाई फ्लू नेजल क्यूनुला है। ये हमारे डॉक्टर अबुजली एनेस्थेटिस्ट है, कंसल्टेंट एनेस्थीजिया, क्योंकि इंटेंसिव केयर में ये लोग काम करते हैं, मशीन के साथ व्यवस्था रहता है। तो फुल डिमोन्स्ट्रेशन ये आपको डीमो एक दे देगा, डीमो दे देगा डॉक्टर अब्बास अली। ये कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, कोविड पे बिल्कुल दिन रात काम करते हैं, तो आप इनसे डीमो ले लीजिएगा। चलिए सर थोड़ा बताइए। अच्छा, ये इस इक्विपमेंट का नाम हाई फ्लो नेजल कैनुला है। इसकी ज़रूरत पड़ी है अभी कोविड के टाइम, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हुई थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल सिलेंडर होते हैं या जो लगा होता है हॉस्पिटल में, वो 10 से 15 लीटर मैक्सिमम फ्लो होता है उनका। लेकिन कोविड एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट बीमारी था, तो इस ये मशीन आपको 40 से 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं ये, इसीलिए। और ऊपर से ये क्या है, ये पोर्टेबल हाई फ्लो नेजल कैनुला है। तो इसके कंपोनेंट है बस सिंपल है, ऑपरेटिव लाइट को कनेक्ट करके, ये हुआ मेन मशीन ह्यूमिडिफायर, और ये इसका सर्किट हुआ, यहाँ से नेजल कैनुला अटैच होकर नाक पे लगा के रखना, ये हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, या सेंटर लाइन के साथ भी माउंट कर सकते हो। तो इसका ये सिंपल इक्विपमेंट है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे, ये पेशेंट के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कि बहुत सारे चेस्ट के मरीज़ होते हैं जिसको ऑक्सीजन अगर 15 लीटर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसका रेट आप 3 लाख से ऊपर ही जाता है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे के समझे एक पेशेंट थे, या एक पर्सन, उनका नाम है सोनम छुडुल आरो मुलबेक। उन्होंने ये जो मशीन यहाँ पे हाई फ्लो नेजल कैनुला जो अभी यहाँ पे हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर अब्बास साहब ने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया कि इस मशीन की कितना इम्पोर्टेंस है, ख़ासकर जो अभी पोस्ट कोविड के बाद जो कोविड यहाँ पे रहा उसके बाद इसका कितना इम्पोर्टेंस है पेशेंट्स को, ख़ासकर जो हमारे अस्थमिक पेशेंट वगैरह हैं। तो ये उन्होंने हमारे बाकरिया इंस्टीट्यूट को यहाँ पर डोनेट किया है, उसके लिए मैं इनका पूरे काउंसिल की तरफ से जो डोनर है उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस एहसास उनको ये हुआ है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है लोगों को कितना है। तो उसके लिए मैं बाकरिया को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनको इतना एतिमाद हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन पे और उन्होंने इसको डोनेट किया। और मेरी अपील रहेगी बाकरिया से कि जहाँ पे भी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ तक इसको पहुँचाए, क्योंकि इनके पास पूरा डाटा है कि कहाँ कहाँ पे ये ज़रूरत है, तो वहाँ पे पहुँचाए। और साथ ही बाकरिया ने इसको आप सीएमओ साहब को जो है डोनेट कर दिया है हमारे मेडिकल, चाहे वो हॉस्पिटल में रहें या जहां पीएससी पेरेफेरीज में भी जहां जहां ज़रूरत पड़े, तो सीएमओ साहब जो है उनके सुपरविजन में इसको जो है पेशेंट्स तक पहुंचाया जाएगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो लोग आगे आके जो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, ये भी उसका एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पेशेंट ख़ुद इस वक्त पर्सन जो है ये इस वक्त ले में है, लेकिन उन्होंने ये बाकरिया तक पहुँचाया और बाकरिया जो है इसको आज हमारे हाथों से सीएमओ तक पहुँचाया है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर बहुत ही मशहूर हूँ। और दोनों बाकरिया और सीएमओ साहब दोनों से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ तक इसको पहुँचाएँ। अहम मशीन जो कोविड-19 महामारी के बीच जिसकी ज़रूरत ज़्यादा था, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, और जिसके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट्स को कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा था, ऐसा एक मशीन डोनेट किया है। और हम सोनम छोरोल को सलाम पेश करते हैं। मशीन की इम्पोर्टेंस क्या है, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर के प्रेजिडेंट डॉक्टर कहेंगे हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन बाकरिया के जरिए डीएचके को डोनेट किया है सोनम छोरोल, जो कि वखा से हैं, इस वक्त लेह में हैं और डीएचके को डोनेट किया है। देखिए, ये हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन जो है तकरीबन मिनट में पर मिनट 15 से 40 लीटर तक ऑक्सीजन देता है। नॉर्मल हमारा जो सिस्टम है वो 5 लीटर 7 लीटर या मैक्सिमम 10 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन देने का हमारे पास बहुत सिस्टम यहाँ नहीं है। यह हाई फ्लो मीटर में एक मशीन बाकी मौजूद है। ये मशीन हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, जो सीरियस या किसी वजह से हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पर उनके लिए पड़ती है। मशीन काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का मशीन है।
तो ये मैम जो है सोनम चरोल वोखा की रहने वाली हैं, इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि एक मशीन खरीद के डोनेट किया जाए, खुद लेह में रहती है, तो उन्होंने बाकरिया को भेजा था कि इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोनेट करने के लिए। तो आज हमने आपने देखा इसका डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर अकबर अब्बास अली ने आपको किया है, तो सीसी साहब के हाथों हमने ये सीएमओ साहब को हवाले कर दिए मशीन। कम से कम हमारे पास 2 या 3 जब मशीन हो तो हम सिक्योर रहेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ सोनम चरोल का इस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए। बस अल्लाह से दुआ है कि उनको और तौफीक दे और लोगों की खिदमत करने का मौका दे, हम तो शुक्रिया ही कर सकते हैं। खासकर इस तरह की मशीन हमारे DHK में बहुत, जिस तरह से आपने कहा कि इसकी बहुत अहमियत और ज़रूरत इस वक्त खासकर कोविड के बीच बहुत ज़रूरत है, तो इस मशीन को कहाँ कहाँ आने वाले वक्त में यूज़ करने जा रहे हैं? क्योंकि बाकरिया के पास इससे पहले, जैसे अगर हम ऑक्सीजन के हवाले से जो पेशेंट्स होता है खासकर हार्ट की या बाकी पेशेंट्स की बात करें, उसके रिकॉर्ड शायद हैं आप लोगों के पास, तो उस हवाले से इस मशीन को आने वाले वक्त में कहाँ? नहीं नहीं, जो बाकरिया का जो मशीन है, हमने आपको पता है कि तकरीबन 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमने डोनेट किया है, वो उन लोगों के लिए जो हस्पताल से छुट्टी हो चुकी है जिनकी, लेकिन घर में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मशीन है जो ICU में इस्तेमाल होता है, जो सीरियस पेशेंट हो उनके लिए, जिनको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारी मुश्किल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन काफ़ी हद तक लोगों की मुश्किलात को, पेशेंट के मुश्किलात को आने वाले वक्त में हल करने में फायदा मंद साबित हो सकता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, पल पल के अपडेट के लिए।